भारतीय हेलीकॉप्टर ने तुर्की और एयरबस को पटक डाला। भारतीय हथियार खरीदने दौड़े अफ्रीका के 30 देश, मोदी सरकार ने चली ऐसी चाल कि अफ्रीका से होगी चीन की छुट्टी। जी हां दोस्तों, भारतीय हथियारों का इंटरनेशनल लेवल पर भूचाल आ गया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए हथियार अफ्रीकी और साउथ अफ्रीकी देशों को इतने पसंद आ रहे हैं कि वे चीन और अमेरिका को लात मारते हुए भारत से हथियार खरीदने को टूट पड़े हैं और चुन चुन कर भारत के फ्यूचरिस्टिक हथियारों को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि अब भारत ने अफ्रीका में चीन और अमेरिका की वॉट लगाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए हथियार अफ्रीकी देशों को पसंद आ रहे हैं, वहीं मोदी सरकार ने अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए अफ्रीका में ऐसा खेल किया है कि अब तो चीन को उसकी औकात पता चल जाएगी। और जो चीन अपने सड़े गले हथियार अफ्रीकी देशों को एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर की प्रॉफिट कर लिया करता था और उसी रुपयों का इस्तेमाल करके अपनी आर्मी को मजबूत करता था और भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता था, अब चीन का खेल खत्म होने जा रहा है और भारत की बादशाहत आने वाली है। तो दोस्तों, चलिए दोनों अपडेट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि आखिर भारत के किस हेलीकॉप्टर ने तुर्की और एयरबस के हेलीकॉप्टर की वॉट लगा दी है, और मोदी सरकार ने अफ्रीका में ऐसा कौन सा खेल कर दिया है कि अब अफ्रीका से चीन की छुट्टी तय मानी जा रही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए जा रहे फ्यूचरिस्टिक हथियारों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हम जैसे भारतवासियों के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, भारत के तेजस फाइटर जेट पिनाक MBRL और ब्रह्मोस मिसाइल ने इंटरनेशनल लेवल पर भूचाल तो पैदा कर ही रखा था, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए प्रचंड हेलीकॉप्टर का ग्लोबल लेवल पर तूफान आ गया है, और अब एक एक करके दुनिया के तमाम देश इस हेलीकॉप्टर को पाने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। और इसी बीच प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि नाइजीरिया भी भारत से प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर टहलका मच जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसी अपडेट सामने आ रही थी कि नाइजीरिया या तो तुर्की से हेलीकॉप्टर की खरीदारी करेगा या फिर एयरबस द्वारा डेवलप किए गए हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट करेगा, लेकिन यहां पर तो नाइजीरिया ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तुर्की और एयरबस को काफी तगड़ा सदमा देते हुए नाइजीरिया ने भारतीय हेलीकॉप्टर प्रचंड को सिलेक्ट कर लिया है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो आर्टिकल छप रहे हैं, यानी कि जो ग्लोबल मीडिया भारत और नाइजीरिया के बीच हो रही इस डील को कवर कर रही है, उसके अनुसार अगर भारत और नाइजीरिया के बीच ये डील फाइनल हो जाती है तो ये भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक छलांग साबित होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता था कि भारत एक गरीब देश है, भारत के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और दुनिया में सिर्फ तुर्की, चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश ही हथियारों का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर पॉइंट वाली बात तो यह है कि नाइजीरिया चीन, एयरबस और तुर्की को लात मारते हुए भारतीय योद्धा को खरीदने जा रहा है, यानी कि भारत के प्रचंड ने दुनिया के तमाम हेलीकॉप्टरों को धराशायी कर दिया है और इस बात को साबित कर दिया है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, तुर्की और इसराइल की बादशाहत ही नहीं चलेगी। ग्लोबल लेवल पर अब भारत भी हथियारों का काफी बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है, और भारतीय हथियारों के पास ऐसी ताकत मौजूद है कि वे अमेरिकी, तुर्की, रूसी, चीनी और इजरायली हथियारों को पटक कर ग्लोबल लेवल पर अपना दम दिखा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाइजीरिया पिछले कई सालों से अपनी सेना के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर हासिल करने की कोशिश कर रहा था, और इसके लिए उसे 15 ट्विन इंजन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए नाइजीरिया ने भारत के प्रचंड एयरबस के हेल और तुर्की के टाई हेलीकॉप्टरों का मूल्यांकन किया था, लेकिन भारतीय हेलीकॉप्टर प्रचंड की ताकत के आगे तुर्की और एयरबस के हेलीकॉप्टर बेदम साबित हुए हैं, और तुर्की और एयरबस के हेलीकॉप्टर को लात मारते हुए नाइजीरिया ने भारतीय हेलीकॉप्टर प्रचंड को सिलेक्ट किया है। दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि एयरबस और तुर्की द्वारा डेवलप किए गए हेलीकॉप्टर कीमत में न केवल काफी महंगे हैं, बल्कि उनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है
जैसी टेक्नोलॉजी प्रचंड के पास मौजूद है। यही कारण है कि इस रेस में प्रचंड ने तुर्की और एयरबस के हेलीकॉप्टर को धराशायी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की ने अपने हेलीकॉप्टर को सेल करने की कीमत करीब $50 मिलियन रखी है, जबकि एयरबस ने अपने टाइगर को सेल करने की कीमत करीब $70 मिलियन रखी है। वहीं भारत ने अपने प्रचंड को सेल करने की कीमत करीब $15 मिलियन रखी है। यानी कि भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर नाइजीरिया को तुर्की के हेलीकॉप्टर से लगभग 3 गुना सस्ता, जबकि एयरबस के हेलीकॉप्टर से लगभग 4 गुना सस्ता मिल रहा है, जबकि तीनों ही हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी के मामले में लगभग बराबर हैं। ऊपर से प्रचंड हेलीकॉप्टर के पास कुछ ऐसी खूबियां मौजूद हैं जो तुर्की और एयरबस के हेलीकॉप्टर में देखने को नहीं मिलती। भारत के प्रचंड को अलग अलग भूमिकाओं में तैनात किया जा सकता है, जिसमें धीमी गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों पर नजर रखना, हमला करना, दुश्मन की रक्षा ताकत को नष्ट करना, खोज और बचाव, टैंक रोधी और टोही मिशन शामिल हैं। और इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए नाइजीरिया ने भारतीय हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उस दूसरी अपडेट के बारे में, जिसे जानने के बाद आप भी झूम उठोगे, क्योंकि मोदी सरकार ने अफ्रीका में ऐसी चाल चली है कि चीन को $अरबों का नुकसान झेलना पड़ेगा और अब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अफ्रीकी देशों में चीनी हथियारों का दम निकल जाएगा और जो चक्रव्यूह चीन ने अफ्रीका में तैयार कर रखा है वो भी तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि अफ्रीकी देश चीन से ही हथियारों की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि भारत के साथ उनकी नजदीकी ज्यादा है? क्या चीनी हथियार भारतीय हथियार से ज्यादा ताकतवर हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अफ्रीकी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चीनी हथियारों की क्वालिटी कैसी है। उनको ये बात भी पता है कि चीनी हथियार भारतीय हथियारों के आगे कहीं नहीं टिकते, लेकिन अफ्रीकी देशों को मजबूरी में चीन से हथियारों को खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वे चीन से क्रेडिट पर हथियारों की खरीदारी करते हैं और बाद में धीरे धीरे उसका भुगतान करते हैं, और यही वो चक्रव्यूह है जिसे चीन ने अफ्रीका में तैयार कर रखा है, क्योंकि अभी तक भारत अफ्रीकी देशों के लिए ऐसी कोई भी स्कीम नहीं लाया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने अफ्रीकी देशों के लिए ताबड़तोड़ $15 अरब की क्रेडिट लाइन जारी कर दी है। यानी कि अफ्रीकी देश भारत से $15 अरब के हथियार क्रेडिट पर खरीद सकते हैं और उसका भुगतान किस्तों में कर सकते हैं, और इसी का परिणाम है कि अब धीरे धीरे तमाम तरह की डिफेंस डील चीन से खिसक कर भारत की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। और नाइजीरिया, जो भारत से प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने जा रहा है, वो भी मोदी सरकार द्वारा दिए गए इसी क्रेडिट लाइन की वजह से संभव हो पाया है। हालांकि दोस्तों, जानकारों का मानना है कि अब जब भारत ने अफ्रीकी देशों को क्रेडिट लाइन देना स्टार्ट कर दिया है, तो भारत को हजारों की संख्या में डिफेंस डील मिलने वाली है, और अफ्रीका के तमाम देश चीन को लात मारते हुए भारत से हथियारों को खरीदने के लिए टूट पड्डी डी ढेंगे। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में भारत के पास एक्सपोर्ट करने वाले हथियारों का शॉर्टेज हो जाएगा। और भारत अगर अफ्रीकी देशों को हथियारों का एक्सपोर्ट ठीक तरह से नहीं कर पाया, तो चीन दोबारा से अफ्रीका में पैठ बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में भारत को ये जो चांस मिला है उसका पूरा का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए, और जिस तरह का खेल चीन कर रहा था, यानी कि अफ्रीकी देशों को अपने हथियार बेचकर डॉलर कमाता था और अपनी सेना को मजबूत करके भारत को आंख दिखाता था, अब भारत को भी ठीक उसी तरह का काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।